तो कैसे हो? अब मैं जैसे बताया था कि यह सेकंड वीडियो अपडेट पार्ट सेकंड, इसके अंदर अपन बात करने से लोटस के बारे में। तो लोटस के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले जो है एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने चाइनीज रेड जाइंट से। इसका पत्ता देखिए, मतलब ये जो अभी जो करंट पत्ता है ना, इसकी हाइट 4 फीट की फूल नहीं है। एक्चुअली जो चाइनीज रेड जाइंट वैरायटी होती है ये फ्लावरिंग के अंदर बहुत रेजी होती है। लगा को लीव्स मिल जाएगी बड़े बड़े। आप देखिए कितना अच्छा खासा इसका स्ट्रक्चर देखिए आप लीव्स का। तो आपने से सोचा देखिए आराम से 4-4 फुट की लीव्स आ रही है, लेकिन फ्लावरिंग बहुत कम होती है। तो नेचुरल बात होगी, इसका फूल सबसे बड़ा निकलता है। अब ये जो वैरायटी दिख रही है गोल्ड एप्पल, गोल्डन एप्पल एक वैरायटी जो है ना, एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा है तो लाइट ग्रीन कलर का फूल आता है। देखिए आपको फूल अच्छे से ग्रीन दिख ही रहा होगा। ये कर खिलेगा अपने आप। और अभी इसके मेरे पास 1, 2, 3 के अलावा कोई लेटेस्ट करी तो नहीं है। तो करंटली अपने पास इसकी अभी 4 करियाँ आ रही है। बहुत अच्छा ब्लूमिंग साबित हुआ है। बड़े ही इसकी वैरायटी ऐसी है कि मैं जब मैंने इसको बाय किया था ट्यूबर इसका पिछले साल, तो उन्होंने बोला था भैया बहुत लेजी ब्लूमर है, डेटा ही नहीं है। यहाँ तो 4-4 करियाँ एक साथ आ रही है। उसका कहा ये मेरा बना हुआ हाइब्रिड है, इसका नाम कुछ कर दिया नहीं। अब तो एक ही फूल आया था, अभी एक और बर्ड आने वाला है। इसको फिर हम हाथ से ब्रूम करेंगे। यहाँ एक और बर्ड आ रहा है, इधर भी एक और बर्ड आ ही रहा था, साइकिल गायब हो गया। सो, अभी अपन दिखा दिया चाइनीज रेड जाइंट गोल्डन एप्पल। ये मेरा बनाया हुआ खुद का पर्सनल हाइट भी जो मैं 20 से उगाया है। दूसरा अननोन आईडी हो ये वाला जो है, इसका हमने देखा ये है सॉन्ग हून रोटस। इसको रिपोर्ट करना बाकी है, इस चक्कर में इसकी हार्ट थोड़ी खस्ता हो रही है। मगर ये फ्रूमिंग के अंदर वो रो होता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। ये अपना नेटिव वाइट है, वापस रिगोट के अंदर आया तो आई थिंक 1 से 1.5 महीने में नहीं वापस आ ही जाएगा आराम से। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, आप सोचोगे ये क्या भयंकर चीज़ है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करियाँ आ रही है इसके अंदर इस समय अभी। और ये है अपना अमेरिका कैरमीरिया। ये माइक्रो और मीडियम रास कैटेगरी वैरायटी होती है। ब्रूमिंग के अंदर टॉपिकल होती है, तो ब्रूमिंग इसकी नेक्स्ट लेवल की होती है। आप देखिए करिया खूब मिलेगी और भर भर के मिलेगी, जबकि ये दोनों अभी खीरी नहीं है। उसके अलावा भी और धीरे धीरे करिया आए जा रही है। उसके बाद ये हमारा आ गया येलो पेरी प्रो। इसके मेरे पास 3 प्लांट हैं। ये भी येलो पेरी प्रो है, ये भी येलो पेरी प्रो है, और एक ये रहा येलो पेरी प्रो। इसके अभी बहुत अच्छी खासी साइज की बर्ड आ रही है। कल इसका फूल खराब था, लेकिन वो फूल आज ही ख़त्म हो गया। तो अभी पहले अपन इसी बात करते हैं। येलो पेरी प्रो भी एक टॉपिकल रोटस वैरायटी होती है। अब आप देखिए जिसके अंदर बर्ड बड़ा आ रहा है, जैसे कि इसके अंदर क्या बहुत बड़ा बर्ड आ रहा है, तो उसके अंदर क्या सॉइल का लेवल हाई है। और ये दोनों सिर्फ क्या फट खाद में गए, इसके अंदर मिट्टी है ही नहीं तरीके बात। तो ऐसे उसमें से खाद है, ये देखिए मैं हाथ डाला खाद है। ये मैंने ऐसे लगा दिए थे, लेकिन चेक करने की क्या नॉन सॉइल से खाद जसते हैं चले, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट तो अपने को मिट्टी में ही आता है। तो तरीका वही है कि आप पहले एक लेयर खाद के दो, फिर उसके ऊपर 3-4 लेयर अपनी मिट्टी की दो। इससे बेस्ट मतलब तो कोई टेयर का दिखाई नहीं है। ये वाला है अमेरिका जॉय। इसका जो फ्लावर अभी एक बर्ड आया है, मुझे कोई और बर्ड तो मैं चेक करते रहता हूँ, लेकिन अभी दूसरा बर्ड भी आ रहा है। देखिए मैंने अभी चेक किया, यहाँ पे एक दूसरा बर्ड भी आ रहा है। तो इसके अंदर अभी 2 बर्ड और है। इसका नाम है अमेरिका जॉय। इसका पिंक कलर का फूल आता है और बर्ड ऑलरेडी सब पत्तियों की हाइट से ऊपर आ चुका है। तो आई थिंक ये बर्ड आराम से 3 फुट की हाइट के ऊपर आके खिलेगा। यहाँ कुछ ट्यूबर पड़े हुए हैं हमारे पास अफ्रैक्शन 16 के। ये मेरी कुछ नई वैरायटी है, मुझे इनको भी रिपोर्ट करना है। इसके अंदर वाइट पियोनी है अपना, ये वाला अखीरा है, और इसके अंदर यूवीटीपी वाइट भी है। तो ये हमारा जाइंट और ये है हमारा जिमी। ये मैं बहुत खतरनाक दोगी सर मानता नहीं बातें में। तो इसकी एक इसने इसकी एक पट्टी यहाँ अटका दी, ये पट्टी वहाँ थी। अब देखिए जाइंट का क्या हाल है इसका, फिर ये राइजोम बाहर आ गया। तो ये हमारा जाइंट, अब इसमें देखिए एक और जाइंट कड़ी निकल रही है। ये है और इसका भी एक फूल गिरा ही था, कई ऑक्सीजन में गया, अभी एक और फूल खिलने वाला है आज कर खेलेगा ऑटोमेटिक। और इसका फूल का साइज ना मेरे हाथ से बड़ा आएगा। आप देखिए कितनी पंख गिरी पड़ी है। ये है हमारा रेड फिलिप्स, इसकी एक और प्लांट है। ये तो पूरा सॉइल प्रॉपर सॉइल अच्छी सॉइल लिखता है, प्रॉपर सॉइल लगा हुआ है। तो उसमें आप देखिए कितनी अच्छी कावेरी की टक्का की ग्रोथ है इसके अंदर। एक और मेरे पास रेड फिलिप्स का यहाँ पे एक और प्लांट है, उसके अंदर फ्लावर आया है अभी। लेकिन ये जो फ्लावर आया है आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो फूल है ये वाला अपनी खाद में आया है। देखिए इसमें भी सॉइल नहीं है, सिर्फ खाद है। मैं दिखा दिखाता हूँ, ये देखिए खाद में हुआ, तो इसके अंदर अब जाके फ्लावर आया। तो मैं सब दोनों वायर में चेक किया है, तो उन्होंने ये रिजल्ट आया है कि अगर जो प्लांट है वो मिट्टी में प्रॉपर तरीके बना हुआ हो ना, तो वही लाइफ स्टाइल में चलेगा।
वरना ऐसे तो नहीं चढ़ने वाला राजस्थान के अंदर। तो अब अपन नेक्स्ट राइड की तरफ आते हैं। तो हमारा अमेरिका जो हो गया 5-6 हमने डिफाइल कर ली। ये है सुप्रिया, नया लोटस की वैरायटी है, इसका नाम है सुप्रिया। इसके आप करिया गिनिए, 1 2 2 यहाँ आ रही है, 3 4 ये तो गई ख़राब हो गई क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ गई थी, लेकिन 4 करिया 3 करिया तो बहुत अच्छे से हैवी ही उग रही है। ये है सुप्रिया वैरायटी, इसका नाम सुप्रिया है, एक्चुअली नई वैरायटी लोटस की, मैंने अभी साउथ से ली है। 2020 में इसका हाइब्रिडेशन हुआ है। उसके बाद अपन आते हैं, ये जो दिखा है ये है अपनी लियांग रिंग। फ्लावर बर्ड आ रहा है नीचे से, लेकिन अभी कोई बर्ड ऊपर आया नहीं है, क्योंकि इसको मैंने क्या है ना, इसको ग्रो ऐसे कर लो कि इसके ट्यूबल बन जाए। ये लियांग रिंग है, वो अपनी माइक्रो वैरायटी जो आती है उसी का ही वो है लोटस प्लांट। तो उसके बगैर ट्यूबल बन जाएगा तो उसको हम छोटे छोटे पॉट्स के अंदर रिपोर्ट करके फ्लावरिंग ले पाएगी, इसलिए इसका मेन प्रोसेस यही है। अब मैं आपको मेन खा जा रहा हूँ, अभी तक का किंग जो चल रहा है मेरे कलेक्शन का, इस किंग का नाम है कावेरी। कावेरी, अब आप इसके जरा बर्ड्स चेक कीजिए कितने अभी, ये तो अच्छा पट्टी आई है, देखिए अभी एक नया बर्ड। इसका पहला ब्रूम हुआ ही है हमारे कावेरी का, सेकंड फ्लावर आने को है, ये इसका सेकंड है ब्रूम है, सेकंड फ्लावर आ ही रहा है, थर्ड फ्लावर बहुत अच्छी अपनी हाइट पर पहुँच चुका है, फोर्थ फ्लावर आ रहा है। तो अब ये एक पूरी प्योर टॉपिकल वैरायटी है, इसका पूरा रूपबॉन देखिए कितना प्यारा होगा, और जिसको रिपोर्ट करो इसके ट्यूबल्स भी बहुत सारी निकलवा रहे हैं। इसको मुझे आई थिंक अभी इसी सीजन में रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये राज कल्टीवेटर है, जैसे कि अपना रेड फ्रिप्स है, देखिए राज कल्टीवेटर, एक तो ये रहा, एक राज कल्टीवेटर वो रहा, और ये सब क्या है मीडियम कल्टीवेटर है। अब जो पियोनी अपना, ये येलो पेरी प्रो, ये हमारा सुप्रिया, या फिर अब मैं बात करूँ जो मेरी वेराइटीज पता नहीं, लेकिन जो गोल्डन एप्पल है वो भी मीडियम कल्टीवेटर है। जो अपना अमेरिका पैरामीड है वो मीडियम स्मॉल लास्ट तीनों में ही कवर होता है। जो मीडियम में एक्चुअली लार्ज में भी आता है, लेकिन मीडियम का मतलब है कि वो कम जगह के अंदर आपको फ्लावरिंग अच्छी खासी दे देता है। ये इसका बेसिक सा एक मीनिंग होता है मीडियम कल्टीवेटर का। तो आप देख सकते हैं कि अभी फूड आ रहे हैं, और आज की वीडियो के बस सब आज की वीडियो के सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको कोई से भी क्वारी हो, कुछ भी हो, मुझसे आप पीछ पूछिए। अगर आप में से कोई जयपुर राजस्थान से है तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। किसी को अगर कोई लोटस पर मनवाना हो तो आज का भी क्या, मैं बिजनेस थोड़ा सा बिजी हो गया था अपने, क्योंकि मैंने एक्वेटिक का स्टार्ट कर लिया जयपुर के अंदर, तो इस चक्कर में वीडियो बनाने थोड़ा सा लेट हो रहा था। बाकी कोई भी आपका सवाल हो जवाब हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, चलता हूँ मैं आप इस वीडियो के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना अपने जो भी आपके हो। धन्यवाद।